कंगना रनौत को थप्पड़ मारने वाली CISF स्टाफ पर्सनल जो थी, जिनका नाम कुलविंदर कौर है, उनका आखिर क्या स्टेटमेंट आया है, क्या बयान आया है और किस लिए उन्होंने थप्पड़ मारा कंगना रनौत को, किस वजह से मारा और क्या कहा उन्होंने उसके बाद। सबसे पहले तो नमस्कार, आप देख रहे हैं फीफा फूज और सॉरी, मेरा नाम गणेश कांदू है। आपको बता दें कि कल चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर कंगना रनौत के साथ ये हादसा होता है। इस हादसे का खंडन हम जरूर कर रहे हैं कि भाई ये किसी को भी अधिकार नहीं है कि कोई थप्पड़ मार दे और इस तरीके से अपना गुस्सा निकाल ले। लेकिन सोशल मीडिया पर कुलविंदर कौर को भी गलत साबित किया जा रहा है, कंगना रनौत को भी। कुलविंदर को लेकर ये कहा जा रहा है कि भाई इन्होंने अपने वर्दी की आड़ में उस वर्दी का इस्तेमाल करते हुए धोखे से थप्पड़ जड़ दिया। लेकिन कंगना रनौत का जो स्टेटमेंट था वो आप सुनेंगे, तो उसके बाद बहुत सारे लोगों ने उस पर क्रिटिसाइज भी किया है और बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि कंगना के साथ जो हुआ सही हुआ। अब ये उनकी अपनी मानसिकता है, लेकिन इस समय में अगर आपको बताऊं तो कुलविंदर कौर का ये स्टेटमेंट था कि कंगना कहती हैं औरतें 100-100 रुपये में बैठी थी फार्मर प्रोटेस्ट में, ये बैठेगी वहाँ पे, मेरी माँ बैठी थी जब इसने बयान दिया था, और इसी के चलते कुलविंदर कौर ने थप्पड़ मारा कंगना रनौत को। और आपको बताऊं, शेर सिंह जो कि कुलविंदर कौर के भाई भी हैं, वो जो फार्मर प्रोटेस्ट हो रहा था उसके सेक्रेटरी भी हैं और सारी चीज़ें मैनेज भी करते हैं। फिलहाल इस पर आप लोगों की क्या राय है ज़रूर बताएगा हमारे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। धन्यवाद।